हेलो स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट फोर्थ स्टार्ट करते हैं। तो यूनिट फोर्थ में देखिए, सबसे पहले है द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस इज दैट, कि जो फंडामेंटल थ्योरम है इंटीग्रल कैलकुलस की, वो क्या है कि जो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन है वो दोनों इन्वर्स प्रोसेस है। ठीक है, दिस जनरल प्रिंसिपल मे बी इंटरप्रेटेड इन टू डिफरेंट वेज। भाई, इस प्रिंसिपल को हम इस तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं कि अगर एफ एक्स आपका इंटीग्रेबल फंक्शन है, स्मॉल एफ एक्स आपका इंटीग्रेबल फंक्शन है, देन द फंक्शन कैपिटल एफ एक्स, और कैपिटल एफ एक्स किस तरीके से डिफाइन है, इज इक्वल टू ए टू एक्स एफ ऑफ टी डी टी, इज कॉल्ड इनडेफिनेट इंटीग्रल ऑफ स्मॉल एफ एक्स। एंड द प्रिंसिपल एसर्ट्स दैट, हम इसको क्या लिख सकते हैं, अगर हम डेरिवेटिव कर ले दोनों तरफ, तो डेरिवेटिव कर लोगे तो क्या आ जाएगा, इधर आपका जो लेबनिज रूल होता है कि इसका डेरिवेटिव करोगे डेरिवेटिव अंडर इंटीग्रेशन, तो ऊपर वाली लिमिट का डेरिवेटिव, ऊपर वाली लिमिट इसके अंदर पुट कर देते हैं, माइनस नीचे वाले लिमिट का डेरिवेटिव और नीचे वाली लिमिट इसके अंदर पुट कर देते हैं, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, स्मॉल एफ एक्स आ जाएगा। ठीक है, ऑन द अदर हैंड, इफ कैपिटल एफ एक्स इज गिवन फंक्शन एंड स्मॉल एफ एक्स इज डिफाइंड बाई टू, कि स्मॉल एफ एक्स किस तरीके से, इस तरीके से डिफाइन है कि स्मॉल एफ एक्स है वो कैपिटल एफ एक्स का डेरिवेटिव है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, अगर इंटीग्रेट करोगे इंटीग्रेशन ए टू एक्स एफ टी डी टी, तो ये आपका आ जाएगा एफ एक्स माइनस एफ ए, तो ये इक्वेशन नंबर थर्ड हो जाएगी। तो इस तरीके से हम डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रेशन डिफाइन करते हैं इंटीग्रल कैलकुलस के अंदर। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ दिस चैप्टर इज टू कंसिडर इन व्हाट सेंस दीज थ्योरम्स आर ट्रू। हम यहाँ पे देखेंगे लैबेग इंटीग्रल के अंदर ये थ्योरम किस तरीके से ट्रू रहेंगी, क्योंकि मेजर थ्योरी के अंदर हम ऑलमोस्ट एवरीवेयर का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। तो फ्रॉम द थ्योरी ऑफ रीमान इंटीग्रेशन, अब रीमान इंटीग्रेशन से मैंने बताया था आपको, इससे ये तो आ जाएगा, इधर लेबनिज रूल लगा तो आपका एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स आ जाएगा। स्मॉल एक्स जो है वो आपका पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी है स्मॉल एफ एक्स का, तो वहाँ से आप बोल सकते हो एफ टी माइनस एफ एक्स का मोड लेस देन एप्सिलॉन फॉर टी माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू एस नॉट, और एस नॉट क्या है, कोई भी ग्रेटर देन जीरो क्वांटिटी है, जहाँ पर आप एप्सिलॉन यूज़ करते हैं इन जनरल, वहाँ पर एस नॉट आ गया। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, फिर हम एफ टी को क्या लिख सकते हैं, एफ टी आपका क्या है, एफ टी आपका है एफ डैश एक्स। ठीक है, यहाँ से तो डेरिवेटिव का क्या डेफिनेशन होती है, डेरिवेटिव की लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच और माइनस एफ एक्स, ये आपका लेस देन एप्सिलॉन आएगा, तो दिस इज इक्वल टू वन अपॉन एच बाहर ले लेंगे, और एक्स टू एक्स प्लस एच एफ टी माइनस एफ एक्स डी टी, इसको जब ओपन करोगे तो यही आएगा आपका। ठीक है, और ये लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए, तो ये लेस देन एप्सिलॉन आ गया, तो बाय द मीन वैल्यू थ्योरम, ये हमने मीन वैल्यू थ्योरम से बोल दिया, तो हमारा सेकंड पार्ट ट्रू हो जाएगा यहाँ से। सेकंड कौन सा है आपका, जो पीछे गिवन था ये वाला। ठीक है, तो नाउ वी शैल शो दैट मोर जनरली दिस रिलेशन होल्ड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, दस डिफरेंशिएशन इज इनवर्स ऑफ लेबेग इंटीग्रेशन, कि जो डिफरेंशिएशन है वो लेबेग इंटीग्रेशन का इनवर्स है। तो इसके लिए देखिए, हम यहाँ पे जो आपकी यूनिट में टॉपिक गिवन है उनका फर्स्ट पार्ट है विटाली लेमा, उसने दिया हुआ है। तो सबसे पहले देखिए डेफिनेशन है एक, लेट सी बी ए कलेक्शन ऑफ इंटरवल्स, सी एक कोई कलेक्शन है इंटरवल्स की, देन वी से दैट सी कवर्स ए सेट ई, जो सी है वो ई सेट को कवर करेगा इन द सेंस ऑफ विटाली, मीन्स विटाली एक साइंटिस्ट था, उसके अकॉर्डिंग जो सी है वो ई सेट को कवर करेगा इफ फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो एंड एक्स इन ई, कि हर एक एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो और एक्स जो है वो आपका ई के अंदर होना चाहिए, देयर इज एन इंटरवल आई बिलोंग्स टू सी, जो आई है वो इंटरवल सी में बिलोंग करेगा, जो इंटरवल्स का कलेक्शन है, सच दैट अगर एक्स आई में बिलोंग कर रहा है एंड
लेंथ ऑफ आई जो है वो लेस देन एप्सिलॉन होनी चाहिए। मीन्स सी एक कलेक्शन है इंटरवल्स का, वो कलेक्शन ई सेट को कवर करेगा इन सेंस ऑफ विटाली इफ गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो एंड एक्स इन ई, एक्स जो है वो ई सेट के अंदर होना चाहिए जिसको कवर कर रहे हैं, तो उस टाइम एक आई इंटरवल बिलोंग कर जाए सी के अंदर सच दैट एक्स आई में बिलोंग करे और लेंथ ऑफ आई जो है वो लेस देन एप्सिलॉन हो। ठीक है, तो इसके विटाली लेमा देखिए क्या है। स्टेटमेंट, लेट ई बी सेट ऑफ फाइनाइट आउटर मेजर, ई एक सेट है जिसका फाइनाइट आउटर मेजर है, एंड सी बी कलेक्शन ऑफ इंटरवल्स विच कवर ई इन द सेंस ऑफ विटाली मीन्स इसके अकॉर्डिंग, देन गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देर इज ए फाइनाइट डिसजॉइंट कलेक्शन आई वन आई टू आई एन इंटरवल्स ऑफ सी, जो आई वन आई टू आई एन आई एन इंटरवल हैं सी के अंदर इस कलेक्शन के अंदर हैं, सच दैट मेजर ऑफ आउटर मेजर ऑफ ई माइनस सी जो है वो ई को कवर कर रहा है, तो ई माइनस दीज फाइनाइट इंटरवल्स इस सेट का जो मेजर हो लेस देन एप्सिलॉन आएगा। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। तो देखिए, इट सफिसेस टू प्रूव दैट लेम्मा इन केस दैट ईच इंटरवल इन सी इज क्लोज्ड, हम इस लेमा को प्रूव कर दें कि जो सी के अंदर हर एक इंटरवल है वो क्लोज इंटरवल है, और अगर क्लोज इंटरवल नहीं होगा तो उस इंटरवल का हम क्या ले लेंगे, क्लोजर ले लेंगे, और इंटरवल का अगर क्लोजर ले लेंगे तो इंटरवल का क्लोजर क्या होता है आपका, क्लोज होता है, तो अगर क्लोज लेके चलेंगे तो ठीक है, ओपन लेके चलोगे तो उनके क्लोजर पे काम करेंगे हम। तो वी ऑब्जर्व दैट द सेट ऑफ एंड पॉइंट्स आई वन आई टू आई एन हैज़ मेजर जीरो, कि जो आई वन आई टू आई एन हैं ये फाइनाइट इंटरवल्स हैं, तो इनके जो एंड पॉइंट्स का सेट आएगा वो काउंटेबल सेट आएगा, और काउंटेबल सेट का मेजर कैसा होता है, जीरो होता है। तो लेट ओ बी एन ओपन सेट ऑफ फाइनाइट मेजर कंटेनिंग ई, जो ओ है वो आपका ओपन सेट है जिसका मेजर फाइनाइट है और ई को कंटेन कर रहा है, सिंस सी इज विटाली कवरिंग ऑफ ई, और सी जो है वो विटाली कवरिंग है ई का, तो वी मे चूज विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी दैट ईच आई ऑफ सी इज कंटेन्ड इन ओ, भाई जो ओ है वो आपके ई को कंटेन कर रहा है और सी विटाली कवर है, तो जो हर एक इंटरवल आई होगा जो सी के अंदर होगा वो ओ के अंदर भी कंटेन्ड होगा। नाउ वी चूज ए सिक्वेंस आई एन ऑफ डिसजॉइंट इंटरवल्स ऑफ सी बाई इंडक्शन एज फॉलोज, अब हम एक सिक्वेंस आई एन चूज कर रहे हैं सी में से। देखो ध्यान से, आई वन लेट आई वन बी एनी इंटरवल इन सी एंड सपोज आई वन आई टू आई एन हैव ऑलरेडी बी चूजन, हमने आई वन कोई इंटरवल है और उसके अकॉर्डिंग आई वन आई टू आई एन हमने एन इंटरवल्स चूज कर लिए, और लेट के एन बी द सुप्रीमम ऑफ लेंथ ऑफ द इंटरवल ऑफ सी विच डू नॉट मीट एनी इंटरवल आई वन आई टू आई एन, मीन्स क्या हुआ कि यहाँ पे मान लीजिए आपका ये था, ये यहाँ से यहाँ तक सी था, तो अब यहाँ से हमने ये आई वन आई टू आई थ्री, आई वन आई टू और आई थ्री मान लीजिए तीन इंटरवल चूज कर लिए, तो जो ये इंटरवल बच गया ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, जो इनके बीच का बच गया कॉम्प्लीमेंट पार्ट बच गया, उसको हमने उनमें से जो आपकी लेंथ आएगी सुप्रीमम उसको के एन नाम दिया है। ठीक है, सिंस ईच आई इज कंटेंड इन ओ, तो वी हैव जो हर एक आई जो है वो ओ के अंदर कंटेंड है, तो के एन जो है उसका जो के एन लेंथ आएगी वो आपकी लेस देन इक्वल टू मेजर ऑफ ओ आएगी, और मेजर ऑफ ओ फाइनाइट है, तो मीन्स के एन लेंथ आपकी फाइनाइट आ जाएगी। अनलेस ई इज कंटेंड इन यूनियन आई इज इक्वल टू वन टू एन आई आई वी कैन फाइंड आई एन प्लस वन इन सी विद, अब देखो ई जो है जब तक ई आपका इस इंटरवल के अंदर कंटेंड होगा तो हम एक आई एन प्लस वन इंटरवल फाइंड आउट कर सकते हैं सी के अंदर विद जो लेंथ ऑफ आई एन प्लस वन है वो ग्रेटर देन होगी हाफ ऑफ के एन, मीन्स जो सुप्रीमम आएगी इन लेंथ्स की, जो आई एन प्लस वन है वो इस लेंथ की जो सुप्रीमम हो उसके हाफ से बड़ी होगी पक्का, एंड आई एन प्लस वन जो आएगा वो आपका डिसजॉइंट आएगा आई वन आई टू आई एन इंटरवल्स में से। ठीक है, कि भाई ई जो है वो इसके अंदर कंटेन है, तो इनके अलावा जो इंटरवल आएगा मीन्स वो इनमें से आएगा कोई, या तो ये आएगा ये आएगा, जो इनके बीच का इंटरवल है वो आएगा, तो वो आई एन प्लस वन जो है वो आपका डिसजॉइंट रहेगा आई वन आई टू आई एन से।
तो दस वी हैव ए सीक्वेंस आई एन ऑफ डिसजॉइंट इंटरवल्स ऑफ सी एंड यूनियन ऑफ आई एन कंटेंट इन ओ. ठीक है, आई एन जो है डिसजॉइंट इंटरवल्स ऑफ सी आ गया और यूनियन ऑफ आई एन जो है वो ओ के अंदर कंटेंट है. तो समेशन एल ऑफ आई एन जो है वो किसका सबसेट है? ओ का सबसेट है. तो इसका जो मेजर आ जाएगा वो इसके इसकी जो लेंथ आ जाएगी वो इसके मेजर से छोटी आएगी और इसके मेजर फाइनाइट है तो इसकी लेंथ भी फाइनाइट आ जाएगी. तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, ये सीक्वेंस का सम फाइनाइट है. इट मीन्स ये कन्वर्जेंट है. कन्वर्जेंट है तो इसके डेफिनेशन लगा सकते हैं, एन इज इक्वल टू एन प्लस वन टू इन्फिनिटी एल ऑफ आई एन लेस देन एप्सिलॉन बाई फाइव. ठीक है, तो अब हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है कि जो ये सेट है इसका आउटर मेजर लेस देन एप्सिलॉन आएगा. तो हमने इसको आर मान लिया, तो इट रिमेन्स टू प्रूव दैट एम स्टार आर लेस देन एप्सिलॉन. तो लेट एक्स बी एनी आर्बिटरी पॉइंट ऑफ आर. अगर एक्स आर में होगा तो सीधी सी बात है एक्स ई में होगा बट इसमें नहीं होगा. यूनियन आई इज इक्वल टू वन टू एन आई एन. सिंस ये आपका क्लोज सेट है नॉट कंटेनिंग एक्स, वी कैन फाइंड एन इंटरवल आई इन सी. हम एक आई इंटरवल फाइंड आउट कर सकते हैं सी के अंदर विच कंटेन्स एक्स, जो एक्स को कंटेन करेगा और वुज लेंथ इज सो स्मॉल, जो उसकी लेंथ इतनी छोटी होगी कि जो आई इंटरवल है वो इन आई एन आई वन आई टू आई एन इंटरवल से डिसजॉइंट रहेगा. ठीक है, तो मीट एनी ऑफ डज नॉट मीट एनी ऑफ द इंटरवल आई वन आई टू आई एन मीन्स जो आई इंटरवल हो इन सबसे डिसजॉइंट रहेगा और उस आई इंटरवल की इनके साथ इंटरसेक्शन जो है वो फाई आएगा फॉर आई लेस देन इक्वल टू एन. ठीक है, अब लेंथ ऑफ आई जो रहेगी उस इंटरवल की लेंथ के एन से पक्का छोटी रहेगी या इक्वल रह सकती है क्योंकि सुप्रीमम था उन आई जो आई टाइप के इंटरवल थे उनका सुप्रीमम लेंथ के एन थी तो के एन से छोटी रहेगी. तो हमने किया था ये वाला कि लेंथ ऑफ आई एन प्लस वन ग्रेटर देन इक्वल टू के एन, तो के एन कैसे छोटे, ट्वाइस लेंथ ऑफ आई एन प्लस वन. तो ये क्या आ जाएगा, के एन लेस देन ट्वाइस लेंथ ऑफ आई एन प्लस वन. सिंस लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एल ऑफ आई एन इज इक्वल टू जीरो मीन्स जो हम पार्टीशन ले रहे हैं एन इंटरवल्स ले रहे हैं, जो हम उन एन इंटरवल्स को हम बहुत फाइन पार्टीशन करना चाहते हैं तो मीन्स एन इंटरवल्स की जो आपस में लेंथ आएगी वो जीरो को टेंड करेगी तभी पार्टीशन फाइन होंगे. तो द इंटरवल आई मस्ट, अगर ऐसी सिचुएशन हो जाए तो जो आई है वो आई एन वाले इंटरवल्स में से किसी न किसी को मीट पक्का करेगा. ठीक है, और एन हम वो स्मॉलेस्ट इंटीजर मानते हैं सच दैट आई मीट्स आई एन. तो वी हैव एन ग्रेटर देन एन एंड एल ऑफ आई लेस देन इक्वल टू के एन माइनस वन. यहाँ से लिख सकते हैं एन को एन माइनस वन पुट कर देंगे एंड लेस देन इक्वल टू ट्वाइस लेंथ ऑफ आई एन. सिंस एक्स इज इन आई, एक्स जो आई है और आई हैज़ ए पॉइंट इन कॉमन विद आई एन. अगर ऐसी सिचुएशन हो जाएगी तो आई का पक्का पॉइंट रहेगा आई एन के साथ कॉमन. इट फॉलोज दैट द डिस्टेंस फ्रॉम एक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ आई एन, जो एक्स की डिस्टेंस है मान लीजिए ये आपका वो आई है और ये आपका यहाँ से और यहाँ तक ये आई है और ये आई एन है क्योंकि पक्का मीट करेंगे अब एक दूसरे को. तो जो एक्स की डिस्टेंस है मिड पॉइंट ऑफ आई एन, मिड पॉइंट ऑफ आई एन मीन्स यहाँ से यहाँ तक जो ये डिस्टेंस है ये होगी एल ऑफ आई लेंथ ऑफ आई प्लस हाफ लेंथ ऑफ आई एन लेस देन इक्वल टू फाइव बाई टू एल ऑफ आई एन. ठीक है, लेट जे एम डिनोट द इंटरवल विच हैज़ द सेम मिड पॉइंट एज आई एम. हमने जे एम वो इंटरवल मान लिया जिसका मिड पॉइंट जो आई एम इंटरवल है इन दोनों का मिड पॉइंट जो है वो सेम है एंड फाइव टाइम्स द लेंथ ऑफ आई एम, और जो जे एम है वो आपका फाइव टाइम्स है आई एम की लेंथ का, ऐसा एक जे एम इंटरवल मान लिया. तो जो एक्स है वो आई एम में था तो जे एम में भी रहेगा. दिस प्रूव्स एक्स आप कहाँ मान के चले थे, एक्स आप मान के चले थे आर के अंदर कि आर क्या था आपका ई माइनस यूनियन आई एन इज इक्वल टू वन टू एन, आई इज इक्वल टू वन टू एन आई एन था. तो यहाँ से दिस प्रूव्स आर इज सबसेट ऑफ यूनियन एन इज इक्वल टू एन प्लस वन टू इन्फिनिटी जे एन, और एम स्टार आर लेस देन इक्वल टू समेशन एल ऑफ जे एन, और दिस इज इसकी लेंथ क्या है, फाइव टाइम्स लेंथ ऑफ आई एन है अभी अभी हमने बोला है यहाँ पे. तो फाइव टाइम्स समेशन दिस
और इसकी लेंथ आपकी क्या थी? इसकी लेंथ आपने मानी थी, वो थी आपकी लेंथ, आपने माना था ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस थी, ये समेशन एल ऑफ आई एन, तो एन इज इक्वल टू एन प्लस वन एल ऑफ आई एन एप्सिलॉन बाई फाइव से छोटी थी, तो वो यहाँ पे पुट कर देंगे, एप्सिलॉन बाई फाइव कैंसिल होकर एप्सिलॉन आ जाएगा। इसका मतलब एम स्टार आर जो है लेस देन एप्सिलॉन आ गए। और आर आपका क्या माना था? आर आपने माना था ई माइनस यूनियन यूनियन क्या था आपका, आई इज इक्वल टू वन टू एन आई एन आई आई, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये इंडेक्स एक बार एन पे रन कर लेना, स्मॉल एन पे, ठीक है जी। तो ये आपकी विटाली लेमा थी, कल इससे आगे करेंगे, यूनिट नंबर फोर्थ।